दिन तुमने सब सुन लिया था, रिकॉर्ड भी कर लिया है। पिताजी रिकमेंडेशन बहुत हैवी है, जल्दी से ना चाबी दे दीजिए ना। जाने दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं। आप यहाँ पर रहेंगे तो, आप यहाँ रहेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। आप यहीं पर रहिए। पिताजी आप इन्हें चाबी दे दीजिए प्लीज, मैं चलती हूँ। TV5 से लाइव टेलीकास्ट। अभी अभी पता चला है कि कोर्ट में शिवराम केस की फाइल पहुँच गयी है। इस केस में सही जजमेंट न दे पाने की वजह से दो जज को यहाँ राजीनामा देना पड़ा है, और अभी जो जज आए हैं उन्हें अच्छी सिक्योरिटी दी गई है। ये लोग सही जजमेंट देंगे ये सोचकर सब लोग उत्साहित हो रहे हैं। हाँ जज साहब आ गए। सर 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 सर, आप इस केस को डील कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। सर प्लीज सर, सर मेरे पिताजी की जिंदगी आपके हाथ में सर, आप हमारी मदद कीजिए सर, सर प्लीज सर प्लीज। कोर्ट का निर्णय भावनाओं पे नहीं चलता, समझे? आज की कार्रवाई पूरी हुई, फैसला दूसरे सेशन में सुनाया जाएगा। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद जज साहब आके पिताजी के केस का जजमेंट देंगे। फैसला नहीं होगा। ये क्या सर, जज साहब के आने का वक्त हो गया है। जज नहीं आएगा। वो क्यों? दो कदम पीछे हट जाओ। भाई खबर मिली है कि वो लोग उसे नहीं पकड़ पाए। पिताजी के बाहर आने से पहले वो कहाँ ये पता चलना चाहिए। ए, 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 इधर स्पोर्ट्स टीचर्स कौन है? आ? आ? तुम हो या मैं हूँ? आप हैं। आप ही हो सर। तो फिर तुम इधर क्या कर रहे हो? सर इसको डाउट था, वही मैं क्लियर कर रहा था। चल बोल दे। सर काफी वेट है, जरा संभाल के बोल दे। ए चंदू सर, बॉल तो इधर है सर, लेकिन बैट कहाँ है? सर क्रिकेट नहीं है सर, ये शॉर्ट पुट है। देख जोक सुनकर सामने वाले ने हंसना चाहिए। ठीक है सर। मिस्टर अगर तुम इन्हें सिखाओगे तो ये सिर्फ कॉलेज ग्राउंड तक खेलेंगे, और अगर मैं इन्हें सिखाऊंगा तो ये डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक बहुत ऊपर तक जाएंगे। इंडियन टीम में कौन खेल रहे हैं? मेरे चेले। अकेडमी में आप भी खेल रहे हो? क्यों कोई शक है? बस क्लैरिफाई कर रहा था। कब से देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। क्या शॉट है सर। चल अब आ गया। ए चंदू ध्यान से देख, बॉल ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे करके ऊपर लेके ऐसे पकड़ के ऐसे करके फेंकना। बॉल कहाँ चला गया? पीटी ने मार डाला। अरे तू अभी तक मारा नहीं क्या? पीटी ने मार डाला। क्या जोक था सर, आपने ऊपर फेंका और लगा इसको। सर आपकी बॉडी रियल है कि नहीं? मेरी बॉडी पर डाउट मत कर, अगर भड़क गया तो फोड़ डालूंगा। सॉरी सर सॉरी। दो क्या? दो। आइंदा से याद रखना, नहीं तो दिखाई नहीं दोगे, समझ गए? इसका मतलब इस कॉलेज में इसका बाप भी है। गुड मॉर्निंग जेम्सन सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ एक कप कॉफी। सर आप इस तरह? ठीक है। आके बात करता हूँ, फिकर मत कर। अरे हाँ तू मेरी बात सुन। सर आप ऐसे उछल क्यों रहे हैं? क्या कहूँ, कैंसर होने से बॉडी बिगड़ जाती है, सिगरेट पीना बुरी बात है। वैसे मुझे क्यों बुलाया? वो विजय नाम का लड़का है ना, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो क्या करूं? नहीं सर। उसका हाथ तोड़ दूं? नहीं सर। सर पे पत्र डाल दूं? नहीं सर। तो फिर क्या करूं? मुझे उसका सेल फोन दे दीजिए। सेल फोन चाहिए तुम्हें? ठीक है। बहुत पसंद है क्या? वो मेरी फोटो खींच कर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सर।
डोंट वरी, एक उल्टे हाथ से एक सीधे हाथ से बजाने से वो मच्छर तो क्या, उसका बाप वो भी अपना फोन देगा। ओ माँ, ये आवाज कहां से आ रही है? लो बन गया 10 पैक। अब अर्नोल्ड भी देखकर डर जाएगा मुझे। हाँ, मेरा 10 पैक। अरे तो ये है सर की बॉडी का राज, अभी बताता हूँ। हेलो, कौन है? सर मैं यहीं पर हूँ। मैं कॉलेज में हूँ। आपने आने को कहा था, कहाँ पर आऊँ सर? हमारे कॉलेज के बाहर एक प्लेग्राउंड है, उसके अंदर गोडाउन है, तुम वहाँ आ जाना। ठीक है? ठीक है सर। जिमसन सर, जिमसन सर, जिमसन सर। वेलकम मिस्टर विजय, वेलकम टू आर फाइट क्लब। फाइट क्लब? डर गए क्या? तुझे क्या लगा तुझे स्टाइल मारने बुलाया? इतनी लड़कियां हैं, मैंने सोचा। मैंने कहा था ना सर, इसको बहुत चर्बी है। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। ए, लड़कियों से भिड़ना मर्दानगी नहीं है, दम है तो मुझसे लड़ो। सर आपको सर्दी हुई है क्या? विक्स लाकर दूं? ए, ये मेरा स्टाइल है, तुझे नहीं पता? शाहरुख होता तो स्टाइल लगता, आप तो कॉमेडियन लग रहे हो। कॉमेडी लग रहा है तुझे? तू ऐसे नहीं मानेगा। फाइट शुरू करो। यस। अबे ओए, शटर थोड़ा खुला रखना, भागने के काम आएगा। यहां चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। यहां एक बढ़िया शो होने वाला है, डोंट मिस दिस एक्शन एपिसोड। अपना सेलफोन दे। मेरा सेलफोन? ये लीजिए सर। एए, इतनी जल्दी तू मान नहीं सकता, पहले मुझसे लड़ो। सर मेरी बात तो सुनो। एक बार कमिट किया सो किया। मेरी बात सुनिए सर। मैं अपनी खुद की बात नहीं सुनता। गर्ल्स तुम लोग जरा दूर रहो, नहीं तो तुम पर खून के छींटे पड़ जाएंगे। बैक बैक बैक, कम दिस साइड। अरे तू किस मिट्टी का बना है? तुझे हथियार से डर नहीं लगता क्या? मेरे पास भी एक हथियार है। कहाँ है? हैं? ये पिन है। ये छोटी सी सुई मेरा क्या बिगाड़ेगी? सर जान निकालने के लिए तलवार चाहिए, लेकिन हवा निकालने के लिए पिन ही बहुत है। हवा? यू मीन एयर? यस सर। हवा निकल जाएगी। बस एक ही बार सर, बस एक ही बार। नहीं, बस एक ही बार प्लीज। लेडीज यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, तुम लोग यहाँ से जाओ। नहीं नहीं सर, हम आपका एक्शन मिस नहीं कर सकते, हम आपका एक्शन जरूर देखेंगे। मारो सर। हाँ हाँ सर, प्रोसीड सर, प्रोसीड। वन सेकेंड। चराटो अभी कुछ देर पहले आपने कुछ बोला था सर। ओए, शटर थोड़ा खुला रखना, भागने के काम आएगा। अब वो डायलॉग मेरे लिए था, मेरे लिए। शिवराम केस की सुनवाई करने वाले एक जज ने आत्महत्या कर ली, दो जजों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। क्या डायलॉग बोल रहा है? ए,
ये डायलॉग मुझे दोबारा सुनना है। रिवाइंड करूं क्या पिताजी? रिवाइंड करने की क्या जरूरत है, लाइव सुनते हैं ना। बात करने के लिए माइक नहीं है ना। लो बोलो बोलो जज साहब, बोलो ना। जब फैसला सुनाते हो तो तुम्हारे पीछे एक फोटो होती है। कौन सी फोटो होती है? हाँ, राष्ट्रपिता गांधी बाबा की फोटो। उन्होंने एक बात कही थी, याद है तुम्हें? 100 दोषियों को सजा नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन निर्दोषों की लिस्ट पढ़ के सुना। जज की पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी बीवियां, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां, और उनके पोता पोती, सबको मिलाकर पूरे 21 निर्दोष। कुल मिलाकर 21 लोग। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मैं वैसे 100 दोषियों को तो नहीं, लेकिन एक निर्दोष को जरूर बचाऊंगा और 21 निर्दोषों को नहीं मारूंगा।